गिर चुकी है। इसे हम लाइव देख रहे हैं पानीपत टोल प्लाजा से, और आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस प्रकार से ट्रैक्टर पे भी जो छत टूटी है उसको उठा के जो सामान है उसको ले जाया जा रहा है। आप लोगों से यही अपील के वीडियो को ज़्यादा से हटाया जा रहा है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो उसकी छत है वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वो तो अब जान, ये छत जो क्षतिग्रस्त हुई है तेज आंधी आने से। तो जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बड़ी खबर के साथ आप लोग से। और आप देख रहे हैं कि ये सीधी लाइव तस्वीरें आपको जो है पानीपत के टोल प्लाजा से दिखाई जा रही है। देखिए कैसे पानीपत का टोल प्लाजा क्षतिग्रस्त हो गया तेज आंधी और तूफान के कारण, जो है ये क्षतिग्रस्त हुआ है। लोग बार बार फ़ोन करके यही पूछ रहे थे कि इस तूफान से किसी का कोई नुकसान तो नहीं हुआ। तो जैसे ही हमें तूफान के कारण आए नुकसान की जो है सूचना मिली है, सूचना को लेकर हम आपके साथ सीधा लाइव हुए, आपको सीधी लाइव तस्वीर आपको सीधी लाइव तस्वीरों से हम अवगत करवा रहे हैं पानीपत का टोल प्लाजा से। ये जो पानीपत का टोल प्लाजा है तेज आंधी और तूफान के कारण जो क्षतिग्रस्त हो गया, सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले सबसे स्टीक खबर आपको दिखा रहे हैं। और अभी हम जो यहाँ पर मौके पर यहाँ टोल प्लाजा के कर्मचारी अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि इस दौरान किसी को कोई क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। सीधी लाइव तस्वीरें आपको पानीपत के टोल प्लाजा से दिखा रहे हैं। ये टोल प्लाजा गेट नंबर 14 और 15 की तस्वीरें सीधी लाइव आपको दिखाई जा रही है। यहाँ पर जो एलएनटी के कर्मचारी आ चुके पहुँच गए और जो सामान गिरा था उसको उठाकर ले जाने का प्रयास, एरिया को साफ क्लीन किया जा रहा है। सीधी लाइव इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीधी लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ पानीपत का टोल। यहाँ पर जो कुछ हो भाई जी, कोई किस समय का हादसा है, ये कैसे हुआ था? ये अभी आधे घंटे पहले का है। कैसे हुआ था ये? ये तूफान आया है इसकी वजह से हुआ ये। तो उस दौरान ये बैरिकेड चल रहा था, बंद था ये लाइनें बंद थी। लाइनें बंद थी, किसी की कोई जान नहीं, कोई चोट नहीं है, कोई नुकसान नहीं हुआ। जो हुआ यही हमारा क्या कारण मानते गिरने का? तूफान की वजह से है ये। और ये तो क्या कहते हैं, मेंटेन करते नहीं करते मेंटेन? एवरी मंथ हम इसको मेंटेन करते हैं। प्री मॉनसून एक्टिविटीज भी होती है, जो हमारा रूटीन वर्क है ये होता रहता है। तो ये आज जो घटना घटी है इससे आप क्या सीख लेते हैं, आगे भविष्य में क्या इसको जो देखने का कार्य है जो? बिल्कुल इसको हम थोड़ा और अच्छे तरीके से इसको करेंगे कि भाई कहीं ना कहीं कोई अगर ऐसी चूक ना हो जाए हमसे कि इस तरह का कोई। ये तो लाइन है चालू थी या बंद थी? नहीं, उस टाइम बंद थी ये जी। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। तो अभी ये लाइन चालू करेंगे बंद रखेंगे? अभी तो बंद रहेगी ये, क्योंकि ये जब तक पूरा सही तरीके से साफ नहीं हो जाती है, मलबा नहीं उठाया जाता है, तो बंद ही रहेगी अभी। आप मानते कि जो सेफ्टी को लेकर के जो आपके वर्कर जो काम कर रहे हैं, जो उठा रहे हैं हेलमेट का प्रयोग, वो लोग नहीं कर रहे हैं हेलमेट, और उसको लेकर के क्या कहेंगे? हेलमेट दिया है, प्रोवाइड किया है, जो हेलमेट नहीं है तो उनको साइड में खड़ा किया होगा। अभी यहाँ पर काम कर रहे थे बिना हेलमेट के लोग? सिर्फ हमने दो ही मैन पावर यूज़ की हुई है जो हेलमेट पे लगाई हुई है जी। और बाकी को हमने हटा रखा है कि तब तक हेलमेट नहीं आएगा कोई काम नहीं करेगा। जो लोग कर रहे थे उनको क्या कहेंगे? उनको तो क्या कहेंगे, उनको बात करेंगे। कहीं ना कहीं लापरवाही है ना, और भी नुकसान हो सकता है। एलएनटी की जो लापरवाही आई है, नहीं लापरवाही आप लोगों की नज़र में लापरवाही आ रही है, लेकिन हम लोग उसको समझाएंगे कि ऐसा नहीं करना। और रुख करेंगे आप जी? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। क्या किस पद पे आप हैं? मेंटेनेंस सुपरवाइजर। बिल्कुल मेंटेनेंस। यहाँ पर जो है पानीपत टोल पर जो है यहाँ पर सामान तूफान के कारण ये क्षतिग्रस्त हुआ था। सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तूफान तेज तूफान के कारण जो है ये हादसा हुआ था। अभी हमने यहाँ पर जो मेंटेनेंस के जो यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी उनसे बातचीत की, और बातचीत करके सामने नजर आएगी
मेंटेनेंस अधिकारी बोला कि समय समय पर इसको हम जांच करते रहते हैं। तूफान के मेन कारण बताया गया ये सारा मामला। ये देखिए अभी भी जो है बिना सेफ्टी के लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। भाई लोग ये जो बाकी काम करेंगे बस हेलमेट नहीं है क्या? बस ये सर अभी हेलमेट लेने जा रहे हैं, थोड़ी देर में अभी आ रहे हैं लेकर। हाँ तो अभी ये तो अनसेफ है ना, ये जो काम कर रहे हैं? नहीं नहीं अभी आ रहे हैं ना, दो मिनट में लेके आ रहे हैं वापसी। जल्दबाजी में जो काम नहीं, जल्दबाजी में क्यों सर? अभी आंधी रुक चुकी है इसलिए काम करवा रहे हैं। ये देखने की भी तो कहीं ना कहीं सेफ्टी नहीं है। नहीं सेफ्टी है ना, अभी लेने गए ना वो, अभी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? आते हैं। ये देखिए बिना सेफ्टी सुरक्षा के जो है कवच के ये काम करवाया जा रहा है।